सुबह उठाया क्यों नहीं आपने? तुम इतनी पुरसकून नींद सो रही थी तो तुम्हें उठाना मुनासिब नहीं समझा। और अगर आपकी दवा का वक्त मिस हो जाता तो क्या हो जाता? या फर्क पड़ता? मुझे पूरा दिन अफसोस होता कि मैं आपका सही से ख्याल नहीं रख सकी। क्यों ये मेरे लिए इतना परेशान हो जाती है? कैसे कहूं मैं इसे कि ना हुआ कर इतना परेशान मेरे लिए? मामू जान से बात की तुमने? क्या करूं, क्या कहूं उनसे कि मैं अब उनके बेटे को संभाल नहीं सकती। इतने अरसे तुम उसे संभाल ही तो रही हो, लेकिन मसला अब कुछ और है। वो तुम्हें इस तरह नुकसान पहुंचा सकता। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। देखो मैं जानता हूं कि तुम्हें उसकी फिक्र है कि वो इस काबिल नहीं है कि उसके साथ रहा जा सके। तुम उसके साथ अकेली रहती हो, खुदा ना खासा उसने तुम्हारे साथ कुछ कर दिया तो। ऐसा कुछ नहीं होगा, जैसा अब तक चलता आया वैसे ही चलता रहेगा। और क्या कहूं मैं तायबू से कि मैं इन हालात में आमिर को अकेला छोड़ दूं? मैं उनसे ये नहीं कह सकती, भाई मैं आमिर को अकेला छोड़ सकती हूं। लेकिन सोबिया। बस ताहिर, मुझे अब इस बारे में बात नहीं करनी। आमिर कहीं नहीं जाएंगे, वो मेरे शौहर हैं, मेरे साथ ही रहेंगे। कब तक खुद को सजा देती रहोगी? जानती हो अपनी जिंदगी के कितने कीमती साल बर्बाद कर दिए तुमने उसके पीछे, अब बस भी कर दो। आसिफ, तुम क्या मतलब आप किसी और को एक्सपेक्ट कर रहे थे? तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हो गया है? मैं सदफ हूँ। हाँ तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे आपकी। हाँ मैं ठीक हूँ, मैं आराम करूंगा जरा सा। अच्छा आप जाए, मैं आपके लिए जूस लाती हूँ। थैंक यू सर। कोई और चीज? नहीं नहीं शुक्रिया। ये लो। देखो सोबिया, तुम्हें तकलीफ होगी तो मुझे बहुत दुख होगा, बहुत अजियत में रहूंगा मैं, शायद उससे भी कुछ ज्यादा।